नमस्कार। हिंदी कक्षा फर्स्ट का जो यूनिट टेस्ट लिया गया था उसका सॉल्यूशन है ये। पहला क्वेश्चन था निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। पर्सन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चे को अभ्यास किया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रश्नोत्तर के जो कोई आपसे क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स किस प्रकार से देने, आपको उत्तर कैसे देना है। पहला, पै के बाद कौन सा वर्ण आता है? कोई मुश्किल नहीं है, वर्ण। बस बच्चे को कई बार ये नहीं पता होता वर्ण है क्या, तो हमें सिर्फ समझाना है कि जो कैखे गैर जो भी हम लिखते हैं वो सारे क्या है, वर्ण है। तो पे वाली लाइन में पे के बाद क्या आता है, फ, तो इसका आंसर हो जाएगा फ। बच्चा सीधा सीधा लिख देता पे फ ब भ। तो मैंने सिर्फ ये पूछ लिया इस पे के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो ये वर्ण ही हमें समझाना है कि बेटा ये भी वर्ण है, ये वर्ण, इन सभी को वर्ण बोलते हैं। तो पे के बाद फ आता है, ठीक है। आपके गांव का क्या नाम है, सभी बच्चों ने लिख दिया होगा, दादा दादी का क्या नाम है लिख दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या था दूसरा क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन कौन सा शब्द अलग है? तो देखिए, अब तब कल लाभ, तो ये अब अब तब तब कल कल, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, तो ये शब्द अलग हो गया। हमें सिर्फ बच्चों को यही समझाने का मकसद था कि ये सारे एक जैसे हैं, कि इसमें कोई मात्रा का शब्द इस्तेमाल नहीं है, इसमें मात्रा लगी हुई है आ, तो ये शब्द अलग है, ये समझाना था। उनका आईक्यू टेस्ट वगैरह लेना था, रट्टाफिकेशन नहीं। अगला, निम्न में से तीन वर्ण का शब्द कौन सा है? ठीक इसी प्रकार हमने लिख दिया कल कल, इसमें कितने वर्ण है, क एक और ल एक, न ब नब, इसमें भी कितने, दो, अ ज ग र अजगर, इसमें कितने, चार, तो ये भी नहीं है। तो उन शब्दों में कलम कलम, तो इसमें कितने हैं, तीन, तो हमारा जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा, तो जिसमें तीन वर्ण आएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों को इस प्रकार से समझाते चलना है कि इसमें बेटा दो वर्ण है, इसमें भी दो है, और बेटा इसमें चार है, एक दो तीन चार, जबकि पूछा कितने का है, तीन का, तो इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। मिलान करो, छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ना सिखाने के लिए मैंने ये मिलान करना दे दिया, मिलान करो। अब तो अब यहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है, मगर मगर इधर भी है, और आज आज, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। अगले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको दिया गया था कि दो वर्णों के शब्द लिखो, तो इस पूरे हिंदी के पेपर में जो एक ही शब्द पे बच्चे को ध्यान दिलाना था, वो समझाना था, वो क्या था, वर्ण, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं था। अगर वर्ण हम समझाने में कामयाब रह गए तो बच्चा सारी चीजें कर लेगा। दो वर्ण का बोला तो दो, अभी दो मिनट पहले ही बताया था आपको, क ल कल अ ब अब हो गया। इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन पूछा, तीन वर्णों के शब्द लिखो, तो तीन के लिख दो, क म ल कमल, न म न नमन, तीन है। तो इसी प्रकार आपसे अगला चार का पूछ लिया, चार वर्णों का के शब्द लिखो, तो चार का होगा तो क्या होगा, अ ज ग र अजगर, श ल ग म शलगम, ये लो चार का। ये आपका हिंदी का पेपर था, इसमें तो सिर्फ पेरेंट्स की भूमिका या हमारी भूमिका अधिक हो जाती है, हमें सिर्फ बच्चों को समझाना है, रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं देना। एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, पहले भी किया था, कि प्रत्येक बच्चा अब अपने अपने सब्जेक्ट की नोटबुक्स अलग लगा लेंगे, अलग अलग, हिंदी का नोटबुक का काम हिंदी में है, इंग्लिश का इंग्लिश में, मैथ का मैथ में, और पेरेंट्स डेली उनकी नोटबुक्स चेक करें कि उन्होंने काम किया है या नहीं किया। धन्यवाद।